नमस्कार, कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। काफी समय के से मैं व्यस्तता के कारण कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और मैं आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो LLB फर्स्ट सेमेस्टर RDBB जबलपुर के पाठ्यक्रमानुसार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया फर्स्ट पेपर सेकंड पर चर्चा करूंगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जिससे कि हर वर्ष प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार भी इसको बोलते हैं। इनमें हम दो आर्टिकल की चर्चा करेंगे, एक आर्टिकल 12 और दूसरा जो है आर्टिकल 13। देखिए, सबसे पहले अपने को फंडामेंटल राइट्स के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता जनता के मूल अधिकारों की घोषणा है। संविधान के पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड में सन 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने सर्वप्रथम अपने नागरिकों को अधिकार पत्र दिया था, ऐसा इतिहास की जानकारी से अपने को पता चलता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द US कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स को यदि डिफाइन करने का प्रयास किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसकी डिफिनेशन तो नहीं दी गई है, परंतु जो है न्यायिक विनिश्चयों के माध्यम से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। द फंडामेंटल राइट्स इज द बेसिक राइट्स व्हिच इज एसेंशियल फॉर द इंटेलेक्चुअल मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजंस। इन द अब्सेंस ऑफ दीज राइट्स होल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट पॉसिबल। मौलिक अधिकार भी आधारभूत अधिकार हैं, जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं हो पाता है। तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार मनुष्य के या नागरिकों के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, उपयोगी है। अब देखते हैं मौलिक अधिकार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों को प्रोवाइड किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं, वो कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट है राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। सेकंड है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक। और तीसरा, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और एंड 24। और फोर्थ, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 से 28 तक। और फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 एंड 30। और सिक्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 टू 35। अब देखिए, इसमें आर्टिकल 12 जो स्टेट की डिफिनीशन जिसमें दिया गया है, ये फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है, राज्य के विरुद्ध मिला हुआ है। और राज्य को आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है, स्टेट को आर्टिकल 12 में जो है स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर स्टेट की डिफिनीशन नहीं दी गई है, बस ये बताया गया है कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड है। तो शब्द स्टेट में निम्नांकित को सम्मिलित किया गया है,
जैसे इंडियन गवर्नमेंट, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज, यानी भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्यों के विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकारी, इनको जो है राज्य में शामिल किया गया है। तो यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो है उलझन पैदा करने वाला है स्थानीय अधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। तो हम इन दोनों को स्पष्ट करेंगे कि ये अदर अथॉरिटीज और लोकल अथॉरिटीज क्या है। तो स्थानीय प्राधिकारी या लोकल अथॉरिटी मीन सच ऑफिसर्स हु हैव द पावर टू मेक एंड इशू लॉ, ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन। स्थानीय प्राधिकारी से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारियों से है जिन्हें विधि, आदेश एवं अधिसूचना आदि बनाने और जारी करने की शक्ति होती है। फॉर एग्जांपल, लोकल अथॉरिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज पंचायत एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट आदि आते हैं। इसी तरह अदर अथॉरिटीज की यदि बात करें तो अदर अथॉरिटीज में उन सभी को सम्मिलित माना गया है जो संविधान या किसी स्टेट्यूट से यानी संविधि द्वारा स्थापित होते हैं एवं जिन्हें विधि, उपविधि आदि बनाने की शक्ति होती है। यह आवश्यक नहीं है कि ये शासकीय एवं संप्रभुता संपन्न शक्ति का प्रयोग करें। अदर अथॉरिटीज इंक्लूड्स ऑल दोज हु आर एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन any statutory law and have the power to make law and sub law etc. For example, इसमें जितने भी विश्वविद्यालय स्थापित होते हैं, यूनिवर्सिटीज स्थापित होते हैं, सब अदर अथॉरिटीज में आते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, LIC, ONGC etc. जो ये सब जो है लोग अदर अथॉरिटीज में ये चीजें आती हैं। यदि हम जुडिशियल अप्रोच की बात करें न्यायिक दृष्टिकोण की, तो जैसे केस कमिश्नर नगर पालिका निगम ग्वालियर वर्सेस पतिराम शर्मा AIR 1987 MP हाई कोर्ट्स, इस केस में बोला गया कि नगर निगम स्टेट की डेफिनेशन में आती है। इसी तरह जो है BD सप्लाई कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है स्टेट की डिफिनेशन में आते हैं। इसी तरह सोम प्रकाश राखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 सुप्रीम कोर्ट केसेस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन स्टेट के डिफिनेशन में आती हैं। इसी तरह जो है डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वर्सेस डॉक्टर अनिल कुमार घोष एंड अदर्स AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट, ये न्यू केसेस है जिसमें ICMR को स्टेट के डिफिनीशन में जो है रखा गया। और एक महत्वपूर्ण केस लॉ है चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT, ये ऑल इंडिया रिपोर्टर 1948 केस है। चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस NCERT AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये स्टेट के डिफिनेशन में नहीं आती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के पूर्ण कंट्रोल में नहीं है, केवल गवर्नमेंट से इसे ग्रांट मिलता है। अब आइए अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 13 यानी आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जिसे हम जुडिशियल रिव्यू के भी नाम से जानते हैं, तो आर्टिकल 13 में ये बताया गया है कि लॉ इन कंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में, ये विधियां वायड होंगी, शून्य होंगी
ये चीज आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 13 का क्लॉज 1 बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से ठीक पहले इंडियन टेरिटरी में लागू सभी लॉज उस मात्रा तक वाइड होंगी, शून्य होंगी, जिस तक वे पार्ट 3 मौलिक अधिकारों के प्राविधानों से असंगत है। इसी तरह क्लॉज 2 में बोला गया कि राज्य ऐसी कोई भी लॉ नहीं बनाएगा जो पार्ट 3 द्वारा प्रोवाइड फंडामेंटल राइट्स को छीनती है या कम करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक लॉ उल्लंघन के मात्रा तक शून्य होगी। इसी तरह क्लॉज 3 आर्टिकल 13 क्लॉज 3 बोलती है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा, ये सब विधि के अंतर्गत आते हैं। यानी विधि शब्द की परिभाषा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में दिया गया है, जो सिविल जज, एडीपीओ या प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो मौलिक अधिकारों के असंगत जाकर के जो कानून बनाए गए हैं, तो इनको कैसे पता चलेगा कि ये मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, या पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है जो कि फंडामेंटल राइट्स को छीन रही हो, न्यून कर रही हो? तो ये सुप्रीम कोर्ट निगरानी रखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन बनाया गया, संरक्षक बनाया गया भाग 3 का, और इसीलिए जो है आर्टिकल 13 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है, पिलर है। यह न्यायालय को वह शक्ति प्रदान करता है जिसके आधार पर फंडामेंटल राइट्स से जो इररिलेवेंट लॉ है, असंगत विधियों को वे अवैध घोषित करते हैं। यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी बना देता है। न्यायालय की इस शक्ति को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति कहते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू की यदि अपन मीनिंग जानना चाहें, तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस प्रोफेसर कार्विन ने किया था, और प्रोफेसर कार्विन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था एसेज ऑन जुडिशियल रिव्यू इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल साइंसेस, एसेज ऑन जुडिशियल रिव्यू इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल साइंसेस। इसमें इन्होंने जुडिशियल रिव्यू को परिभाषित करते हुए, जुडिशियल रिव्यू की डिफिनीशन देते हुए बोला कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट अंडर विच दे एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ एक्ट एक्ट्स passed by the legislature, they may refuse to implement any law which is inconsistent with the provision of the constitution. This work comes under the general jurisdiction of the court. कहने का मतलब ये है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। वे ऐसे किसी भी लॉ को लागू करने से इनकार कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से असंगत है। यह कार्य न्यायालय की साधारण अधिकारिता, साधारण जुरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की यदि बात किया जाए, तो आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर प्रदान करता है। यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट्स को भी आर्टिकल
226 के द्वारा प्रदान किया गया है। अपनी इस शक्ति के अधीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विधान मंडलों द्वारा पारित किसी भी एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में दिए गए किसी भी प्रोविजन की असंगति यानी विपरीतता में है। यदि इम्पोर्टेंट केस लॉ की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल अप्रोच की बात करें, तो इसमें रेनू वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 30,000 AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 2175 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्ट संविधान की सर्वोपरिता, विशेषकर मौलिक अधिकारों के बारे में सुरक्षित रखना है। द मेन गोल ऑफ आर्टिकल 13 इज टू प्रोटेक्ट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉ रिलेटेड टू आर्टिकल 13 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट एंड एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट को अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन प्रदत्त न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का आधारभूत ढांचा है, ऐसा इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया और इसे आर्टिकल 368 के अधीन संवैधानिक संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी एबोलिश्ड इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो आज हमने आपको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 से संबंधित जानकारी दिया। यदि ये जानकारी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक एंड कमेंट करें, साथ में